यस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग अड्डा, जहाँ पे हम बात करते हैं टोटली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है क्वांटिटी सर्वे, और क्वांटिटी सर्वे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, कैसे उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम क्वांटिटी सर्वे के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूंगी, इसमें हम जो है क्वांटिटी सर्वे में डिस्कस करेंगे, जो मैन्युअली हम जो कैलकुलेशन करते हैं सीमेंट, सैंड और जो एग्रीगेट्स, जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है, उसको हम मैन्युअली सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे आसान बना सकते हैं थ्रू एक्सेल शीट। एक्सेल शीट पे हम सारा डाटा इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम उस चीज़ को जो है एक्सेल शीट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी ईजी हो जाए, हमको ज़्यादा इसमें स्ट्रगल ना करना पड़े, बार बार हमको वैल्यूज़ पुट ना करनी पड़े। जो एक्सेल जो हमारी शीट है उसमें सिर्फ एक या दो वैल्यूज़ को चेंज करना है। देन उसके बाद जो हमारा फर्दर जितने भी जो भी हमारी वैल्यूज़ है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की, और जो हमारा मिक्स डिज़ाइन है M25, M30, उसकी सभी की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली जो है चेंज होने वाली है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं जो क्वांटिटी सर्वे है वो हमारा क्या होता है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग इज़ अ प्रोफेशन वेयर क्वांटिटी सर्वे डज द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स विच इज़ बींग यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला होता है, वही जो क्वांटिटी सर्वेयर का रोल होता है कि उसमें जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की कितने प्रोपोर्शन में वो यूज़ होने वाला है, उसी चीज़ को फाइंड आउट करना रहता है क्वांटिटी सर्वेयर का जॉब प्रोफेशन होता है। और इसमें बात करें आगे तो मोड ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में बात करें, जो इसमें वॉल्यूम जो है उसको एम क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में, और कुछ वैल्यूज़ जो है रनिंग फुट में, रनिंग मीटर में भी हमारी कैलकुलेट की जाती हैं। और देन उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जो है उसकी जो क्वांटिटीज़ वगैरह को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा वेट वॉल्यूम है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि एक एम क्यूब ऑफ जो कॉन्क्रीट मिक्स है उसमें जो है हमारे को क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जो क्वांटिटीज़ वगैरह है वो फाइंड आउट करनी है। और इसमें सबसे पहले जो 1 m³ ऑफ कंक्रीट में है, ये जो हमारा वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम इसीलिए क्योंकि जो हमारा कंक्रीट बनाने के बाद जो हमारा मिक्स बनता है वो वेट फॉर्म में बनता है, क्योंकि इसमें वाटर की कुछ क्वांटिटी में वाटर जो है ऐड किया जाता है, देन उसके बाद इसी को वेट वॉल्यूम कहा जाता है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको जो हमारी वेट वॉल्यूम है उसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना है। ड्राई वॉल्यूम में क्यों चेंज करना है, इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण यही है क्योंकि जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी है सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट, सबसे पहले जो है ये ड्राई फॉर्म में ही होता है कंक्रीट बनाने से पहले। तो इसीलिए इसको सबसे पहले, इसकी क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने से पहले सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि जो हमारा वेट वॉल्यूम है उसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना है। अब ड्राई वॉल्यूम में कैसे चेंज करना है, उसका सिंपल सा फार्मूला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्राई फार्मूला जो ड्रो सॉरी ड्राई वॉल्यूम जो है इसका मेन सिंपल सा फार्मूला है 1.54 मल्टीप्लाई बाय वेट वॉल्यूम। और 1.54 कैसे आया इसके बारे में डिस्कस करें, तो जो ये 1.54 जो है वेट ड्राई वॉल्यूम जो है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी आती है। तो सबसे पहले बात करें सीमेंट की, जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी रहती है दैट इज़ 0%, और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स दैट इज़ सैंड, उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो है 34% है। और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, जो हमारे एग्रीगेट्स रहते हैं 10, 20, 30, 40, 50, जितने भी एमएम के जो एग्रीगेट्स हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं, उसकी जो है हमारी कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो है 20% तक का होता है। और इसका जब हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल निकलता है 54%, और इसीलिए जो है हमारी ड्राई वॉल्यूम जो है 1.54 से इसको मल्टीप्लीकेशन की जाती है विद वेट वॉल्यूम। और ये जो फार्मूला है हमारा ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने का 1.54 मल्टीप्लाई बाय वेट वॉल्यूम, ये सिर्फ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जो हमारा मोर्टार वगैरह, जो हमारा मोर्टार बनाया जाता है फॉर प्लास्टरिंग वर्क, उसके लिए हमारी जो ड्राई वॉल्यूम रहता है दैट इज़ 34% तक का ही होगा, क्योंकि उसमें 20% का जो कोर्स एग्रीगेट है, जो मोटे हमारे एग्रीगेट्स वगैरह होते हैं 10, 20, 30 mm के, वो मोर्टार में यूज़ नहीं होते हैं। इसीलिए जो मोर्टार के केस में जो ड्राई वॉल्यूम रहता है दैट इज़ 1.34 मल्टीप्लाई बाय वेट वॉल्यूम।
वो है अलग केस। अब हम बात करेंगे सिर्फ इसके कॉन्क्रीट के केस के बारे में। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि जो 1.54 है ये कैसे आया थ्रू कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। आगे बात करते हैं हम जो ड्राई वॉल्यूम हमारी कैलकुलेशन करने के बाद आया 1.54 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज़ ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 m³। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, जिसमें बता रखा है कि गिवन मिक्स रेशियो ऑफ m25 के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट में जो m25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स होता है उसकी प्रोपोर्शन 1:1:2 करके है, और इसका टोटल जो सम है इसका रेशियोज का 4 है। देन उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यूनिट वेट जो कि डेंसिटी है सीमेंट की 1440 किलोग्राम पर m³, सैंड की है 1450 किलोग्राम पर m³ और एग्रीगेट की है 1500 किलोग्राम पर m³। और ये जो कुछ डेंसिटीज़ वगैरह है इसी इन्हीं फॉर्मूलेज में जो हमने कैलकुलेशन करनी है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की जो क्वांटिटीज़ हमने फाइंड आउट करनी है इसमें इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट के बारे में बात करें तो हमारी 1 m³ ऑफ जो हमको सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है तो उसमें ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया 1.54, मल्टीप्लिकेशन में आएगा सीमेंट जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है आप ऊपर देख सकते हैं जो सीमेंट की क्वांटिटी है दैट इज़ 1, और जो टोटल सम ऑफ रेशियोज है दैट इज़ 4। तो इसीलिए आया 1/4 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगी दैट इज़ 0.385 m³ ऑफ जो हमारा सीमेंट है वो यूज़ होने वाला है फॉर 1 m³ ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। और इसी चीज़ को अगर हमने किलोग्राम में कैलकुलेट करना है क्योंकि किलोग्राम में भी काफ़ी जगह पे सीमेंट्स जो है कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी में जो है 0.385 मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ सीमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू आने वाली है दैट इज़ 554.4 किलोग्राम। और यूनिट वेट ऑफ सीमेंट मैंने सामने मेंशन कर रखा है दैट इज़ 1440 किलोग्राम पर m³। तो इसी से जो है हमारी किलोग्राम में जो है सीमेंट की जो क्वांटिटी वो कैलकुलेट हो जाएगी। और इसको इसी चीज़ को हमने फर्दर अगर बैग्स में कैलकुलेट करना है तो इसी को हम यूनिट वेट ऑफ बैग से डिवाइड कर देंगे इसी वैल्यू को। और यूनिट वेट ऑफ बैग आपको पता होगा 50 kg का जो है पर यूनिट वेट ऑफ बैग सीमेंट का होता है, और उसी से वैल्यू आएगी 11.08। और इसी चीज़ को हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे दैट इज़ 12 बैग्स ऑफ सीमेंट हमारे यूज़ होने वाले हैं फॉर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। करते हैं हम जो फोर क्वांटिटी ऑफ सैंड के बारे में तो इसी में भी यही फर्दर चीज़ें यूज़ होने वाली है कि हमने गिवन रेशियोज़ का जो मिक्स है उसकी वैल्यूज़ कितनी है और जो डेंसिटीज़ हमारी सैंड की है वो कितनी है। और 1 m³ की बात करें तो ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सैंड रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, जैसे हमने फर्दर पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया उसी चीज़ से उसी तरीके से हमको जो है सैंड के केस में कैलकुलेट करना है। तो इसमें वैल्यूज़ आएगी 1.54 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 जो है रेशियो है सैंड की, आप ऊपर देख सकते हैं टेबल में जहाँ पे हमने रेशियोज़ की जो रेशियोज़ के बारे में मेंशन कर रखा है, और जो टोटल जो हमारी सम ऑफ रेशियोज़ है दैट इज़ 4। तो इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई देन डिवीजन करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 0.385 m³। और इसी चीज़ को हमने अगर किलोग्राम में कैलकुलेट करना है तो 0.385 मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ सैंड से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट वेट ऑफ सैंड है 1450, तो इसी से हमारी कैलकुलेशन आएगी 558.25 किलोग्राम ऑफ सैंड हमारी यूज़ होने वाली है फॉर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। और इसी चीज़ को हमने क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करना है क्योंकि जो हमारे डंपर्स वगैरह ट्रॉलीज़ वगैरह होती है वो क्यूबिक फीट में नापी जाती हैं, तो कई बार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे एक कोई भी डंपर है उसकी क्यूबिक फीट में वैल्यूज़ है तो हमको क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करना रहता है कि उस पर्टिकुलर एक डंपर में कितनी वैल्यू ऑफ कितनी क्वांटिटी ऑफ सैंड आने वाली है। तो इसीलिए हम जो क्वांटिटी ऑफ सैंड को क्यूबिक फीट में भी मेज़र करते हैं। तो उसी को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, जो हमने हमारी वैल्यू है 0.385 मल्टीप्लाई बाय 35.31। अब ये 35.31 कैसे आया, क्योंकि इसका कारण सिंपल सा यही है, हमने क्यूबिक फिट में कैलकुलेट करना है तो 1 मीटर में रहते हैं 3.281 फिट। और इसी चीज़ को अगर हमने क्यूबिक फिट में कैलकुलेट करना है तो इसका क्यूब कर देंगे हम, 3.281 का क्यूब करने के बाद आएगी हमारी वैल्यू 35.31। और इसी से जो हमारी वैल्यू आने वाली है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दैट इज़ 13.59 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड हमारा जो है यूज़ होने वाला है फॉर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट।
और इसी के आगे बात हम करें एग्रीगेट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के बारे में, तो यही चीज़ हमारी फर्दर यूज़ होने वाली है। राइट हैंड साइड में आप जो टेबल देख रहे हैं, देन उसके बाद 1 m³ ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात करें, तो ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। यही चीज़ हमारी सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ हमने क्वांटिटी ऑफ सैंड की जो सॉरी क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट की है वैल्यू चेंज करनी है, जैसे हमने पिछले स्टेप में किया। इसी से आएगा हमारा 1.54 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 है हमारा अमाउंट ऑफ एग्रीगेट्स यूज़ हो रहे हैं जो हमारे मिक्स डिज़ाइन में, डिवाइडेड बाय 4 जो कि हमारा टोटल सम है। इसी से फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 0.77 ऑफ m³, जो हमारा एग्रीगेट है वो यूज़ होने वाला है फॉर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट। देन उसके बाद इसी को kg में कैलकुलेट करना, तो 0.77 मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट, जो राइट हैंड साइड में मेंशन कर रखा है मैंने कि यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट जो है 1500 किलोग्राम पर m³ होता है। इसी की कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1155 किलोग्राम ऑफ एग्रीगेट हमारा यूज़ होने वाला है फॉर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। और इसी की चीज़ को हमने क्यूबिक फिट में कैलकुलेट करना है, तो 0.77 मल्टीप्लाई बाय 35.31, जैसे हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया कि 35.31 कैसे आता है, वही सिंपल सा फॉर्मूला है कि 35 जो हमारा 1 मीटर में जो 3.281 फीट होते हैं, और इसी की हमको क्यूब करने के बाद वैल्यू मिलेगी 35.31, और उसी की हमको कैलकुलेशन करने के बाद जो मिलने वाला है 27.18 क्यूबिक फीट, जो हमारा सैंड जो एग्रीगेट है वो यूज़ होने वाला है फॉर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। और इसका सिंपल सा फाइनल कंक्लूजन हमका लास्ट में यही निकलता है कि फाइनल कंक्लूजन जो है 0.385 m³ ऑफ सीमेंट यूज़ होने वाला है, और 0.385 m³ ऑफ सैंड यूज़ होने वाला है, 0.77 m³ ऑफ एग्रीगेट यूज़ होने वाला है इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन ऑफ M25 ग्रेड। अगर इसी चीज़ को हमको अगर फर्दर कैलकुलेट करना है, जैसे हमारा 1 m³ की जगह 10 m³ है, 50 m³ है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो हमको इसका सिंपल सा तरीका निकल के आता है। एक्सेल शीट में हमको सारा डाटा जो हमने पीछे कैलकुलेट किया उसी चीज़ को हम एक्सेल शीट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देन उसके बाद हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि 1 की जगह, जैसे हमारा 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए हमने M25 ग्रेड के लिए कैलकुलेशन की, वहाँ पे हमको सिर्फ 1 की जगह 50 करना है, 50 की जगह 25 करना है, जितने भी m³ ऑफ कंक्रीट मिक्स हमको कैलकुलेट करनी है सिर्फ हमको 1 की जगह 10 करना है, जितना भी हमको कैलकुलेशन करनी होगी सिर्फ हमको एक वैल्यू चेंज करनी है। उसी से जो है हमारा फर्दर डाटा जो है वो सारा चेंज हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन अपने आप हो जाएंगी एक्सेल शीट में कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना यूज़ होने वाला है, क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना यूज़ होने वाला है, और क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट कितना यूज़ होने वाला है। सिर्फ हमारा एक्सेल शीट में यही फ़ायदा है कि हमको बस फॉर्मूलाज वगैरह इंप्लीमेंट करने हैं, जो हमारा टोटल क्वांटिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली चेंज होके आ जाएंगी। अगर इसी चीज़ को एक्सेल शीट में डाटा कैसे इंप्लीमेंट करना है ये चीज़ आपको सीखनी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक, सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी डाटा चाहिए, कुछ भी आपको सीखना है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, मैं वो चीज़ आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा एकदम आसान भाषा में, हिंदी में हम करेंगे। और इसी के एडिशन में आपको कुछ नॉलेज दूँ तो सिविल गुरुजी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी जाती है, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप खुद इसकी वेबसाइट पे विजिट करके सारा इसके बारे में देख सकते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल गुरुजी की इंपॉर्टेंस कितनी है एक सिविल इंजीनियर के लिए। और यहाँ पे आप इसके बारे में यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी इसका प्रोवाइड किया गया है सिविल गुरुजी की टीम ने। अगर आपको यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर लर्निंग, ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग, हर प्रकार की ट्रेनिंग आपको सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म में मिलने वाली है। और आपको जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, सॉफ्टवेयर नॉलेज में, या फिर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल, सर्वेइंग का पार्ट सीखना है, बिलिंग का वर्क सीखना है, तो आप सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। और यहाँ पे जो है पेड कोर्सेज़ वगैरह सिविल गुरुजी जो प्रोवाइड करता है सिविल इंजीनियर्स के लिए, और सिविल गुरुजी जो है पेड कोर्सेज़ के थ्रू काफ़ी अच्छी नॉलेज स्प्रेड कर रहा है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो आपको पेड कोर्सेज़ ख़रीदने हैं तो उसके लिए मैंने रिव्यू वीडियो बना रखी है कि कौन से कोर्स में जो है सिविल गुरुजी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसका फर्दर डाटा जो पूरा है रिव्यू वीडियो है वो मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड कर रखी है कि कौन से सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं,
वो आपको फर्दर मेरी वीडियोस में सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट मार रखी है मैंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जितना भी डाटा है सिविल गुरु जी के प्लेटफॉर्म पे वो देख सकते हैं, जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स है वो देख सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है, साइट पे विजिट करके काम सीख रहे हैं, तो वो भी आप सिविल गुरु जी से के थ्रू आप सीख सकते हैं। और यही था मेरा वीडियो फ़िलहाल, और आप कमेंट्स कर सकते हैं कि एक्सेल शीट पे जो है इस डाटे को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैलकुलेशंस को कैसे ईजी करना है। एक स्टेप में आपको सिर्फ एक एंटर दबाना है, एक वैल्यू इम्प्लीमेंट करनी है, और सारा का सारा डाटा आपका जो है निकल के आ जाएगा। 1 M³ के आप लिए आप कैलकुलेशन करेंगे, देन उसके बाद 10, 20, 50,000, 2,000, 10,000, जितनी भी M³ ऑफ कैलकुलेशन आपको करनी होगी, सिर्फ एक एंटर में वो चीज़ सारी कैलकुलेट होगी, आपके सामने आ जाएंगी। यही पावर है एक्सेल शीट की, और इसी को हम आगे सीखेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और हाउ टू एनालाइज रेट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, अगर इसकी आपने रेट एनालिसिस वगैरह सीखनी है कि हमने जैसे जो भी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की उसकी रेट एनालिसिस कैसे करनी है, तो इसके रिलेटेड आपको सीखना है, कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और कमेंट डाउन टू विच टॉपिक यू वॉन्ट टू लर्न इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको कौन सा टॉपिक सीखना है, बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, मैं आपकी फर्दर ज़रूर हेल्प करूँगा। मी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।